गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का तीन बज रहा है और रात को खाना नहीं खाया था, ऐसे ही सो गई थी। कॉफ़ी पी के सो गई थी, तो अभी इतना भूख लग रहा है ना मुझे। तो ये अभी मेरा बाल इतना झड़ चुका है, एकदम पतला हो गया है। रात को खाना खाया नहीं था तो अभी बहुत भूख लग रहा था। तो दिन का, हाँ, दोपहर का खाना चावल, थोड़ा राइस था, वो सब्जी सब नहीं था। तो अभी सोच रही हूँ कि किचन में जाके देखती हूँ कि वो काबुली चना भिगो के रखा था, वो छोटा वाला बड़े वाले से ज़्यादा टेस्ट लगता है। इस बार इस छोटा वाला लाई थी, पता नहीं था बनाया तो अच्छा पिया था, कॉफ़ी पिया था। और ये मेरा जो ब्रश है एकदम पुराना हो चुका है, ये नया नया देखिए दो ब्रश है, उससे मेरा होता नहीं। मेरा ये जो दांत है ना बहुत गंदा होता है, और थोड़ा हार्ड वाला ब्रश होने से अच्छा होता है। वो जो दो है वो नया है लेकिन सॉफ्ट है, उससे मेरा कुछ होता ही नहीं है, इसलिए इससे कर रही हूँ। अभी मेरे दांतों के हिसाब से लाना पड़ेगा, बहुत ढूंढना पड़ता है हार्ड वाला ब्रश, क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं ना वो ये वाला सॉफ्ट ब्रश यूज़ करते हैं। मेरा दांत बहुत जल्दी गंदा होता है। और अभी मैंने देखा बाहर इतना पूरा अंधेरा है, और मैं क्या बोल रही थी, सुबह तो नहीं हुआ है क्योंकि बाहर पूरा अंधेरा हो रहा है। ये देखिए चांद अभी तक है, तो इसका मतलब क्या होता है, चांद अगर है तो रात ही है, चांद तो रात को निकलता है कि नहीं। पूरा अंधेरा है, तो ये किचन में आके थोड़ा झाड़ू लगाया और ये कढ़ाई पे वो चना जो है उबालने के लिए दे दिया। छोटा सा एक आलू भी दे दिया है उसको, ऐसे क्या बोलते हैं, टमाटर, हाँ अभी टमाटर और प्याज टमाटर भी दे दूँगी। फ्राई राइस रेस्टोरेंट जैसा तो नहीं होगा, घर जैसा ही होगा। और मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे प्याज काटना नहीं आता है, एक कमेंट करते हैं, क्या करूँ, आता नहीं है तो नहीं है। हर चीज़ में इंसान परफेक्ट तो नहीं हो सकता है ना, बस जीना है, जीने के लिए पेट भरना है, पेट भरने के लिए बनाना है, इतना तक आ जाता है। ये उस दिन वो अदरक लाई, एक ही अदरक का 20 लिया। ये जो चावल था, ये जो कुकर है पूरा काला हो चुका है। एक दिन चावल बिठाया और सामने एक दीदी के घर में चली गई, वहाँ से पूरा स्मेल आ रहा था, वो जल चुका था। आके देखा एकदम, अभी तक कुकर के नीचे है ना पूरा काला हो रहा है,
पूरा अंदर अभी तक नहीं जा रहा है। ये उबला हुआ क्या चना, उसको ठंडा पानी में थोड़ा धो लिया और अभी फ्राइड राइस मेरा हो जाएगा। तेल अभी महीनों भर तक वो रिफाइंड ऑयल ही यूज कर रही थी, अभी फिर से वो क्या सरसों का तेल लग गया है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मुझे लगा था थोड़ा ज़्यादा हुआ है, लेकिन जब हाँ ये जब बन चुका था तब मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि सच में ऑयल तो ज़्यादा हो गया है। और ये रेडी बन के पूरा रेडी, सुबह सुबह इतना ऑयली खाना तो बन के रेडी। और मैं अभी खाने वाली हूँ, तो मेरा ये जो सिलाई का जिस रूम में करती हूँ वहीं पे बैठ के वहीं पे एक बेड है, वहाँ पे बैठ के खा रही हूँ। और मुझे मतलब बिलीव नहीं हो रहा है कि इतना टेस्ट हुआ है, क्योंकि ऑयल बहुत तेल बहुत ज़्यादा दे दिया था, लग रहा था पता नहीं क्या होगा। और एक दिन ऐसा हुआ था तेल ज़्यादा हो दिया, एकदम ख़राब लग रहा था खाने में, लेकिन ये जो खाया ना इतना अच्छा लगा, और चाय भी बहुत टेस्टी हुआ था।